प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री हरिशंकर सिंह एवं विशिष्ट अतिथि श्री अरुण कुमार त्रिपाठी, सदस्य बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश ने कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। समारोह में मुख्य अतिथि बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने न्यायालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिवक्ताओं को, जिनकी मृत्यु 60 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होगी, उन्हें भी सांत्वना राशि देने का अनुमोदन बताया। इसके बाद रानीगंज के डाक बंगले पर पत्रकार वार्ता में कहा कि अधिवक्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान रानीगंज के नायाब तहसीलदार रवि प्रताप सिंह, जीपी मिश्रा, गौरव सिंह, मनोज सिंह आदि काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमको रानीगंज में बहुत बढ़िया लगा। हमने भाषण में दिया था कि हमको बहुत गुड फील हुई कि तहसील में इतना बढ़िया खुली साफ सुथरा होती है। हम यहाँ के तहसील वालों को बधाई दिया धनमंत्री जी को कि ऐसे तहसील मेंटेन रहा करे। और भाई हमारे यहाँ लोग बहुत अनुशासित हैं। इतनी मीटिंग देर से चली शांतिपूर्वक। वकीलों की मीटिंग में शोर शराबा होता है, लेकिन यहाँ की मीटिंग में शांतिपूर्वक मीटिंग हुई हमारी, सम्मान के साथ। इन्होंने इतना माला पहना दिया रानीगंज वालों ने कि अभी तक प्रदेश में बड़ा भूमि इतना माला मिल नहीं पाया। अब हम खोजें कि इतना माला कोई पहना सकता है क्या प्रदेश में। जी, लाइब्रेरी की व्यवस्था जो अध्यक्ष नवयुवक अध्यक्ष ने मांग किया था उसके विषय में आपने कह दिया। हमने को दे दिया जी। तो लाइब्रेरी बार के संगठन की चीज़ है, कोई एहसान नहीं किया हमको देना चाहिए। भाई लोग दे नहीं पाए जैसे मैंने दिया नहीं था, और हमने ऑर्डर करके इनको लाइब्रेरी हम दे देंगे, जिससे अधिवक्ता समाज के हित की बात हो, उनको लिखने पढ़ने परेशानी ना हो। उसमें रूलिंग्स होती है, नियम कानून उसमें होता है, तो उसमें अधिवक्ता को आसानी होगी।